दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो ये सब्सक्राइबर का बटन दबाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और साथ में दोस्तों, अपडेट वीडियो पाने के लिए ये बेल के घंटे का दबाना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोटो जी 5S प्लस, देखिए इसका मॉडल नंबर मोटो जी 5S प्लस है, तो इसका दोस्तों हम लोग FRP लॉक खोलना सीखते हैं। तो इसका FRP लॉक खोलने के लिए हमें बहुत से टूल का काम है, तो जो एक क्लिक में मैं खोलने वाला हूँ वो भी अपने लैपटॉप से। इसका दोस्तों FRP लॉक हाथ से नहीं खुलता है, कुछ लोग विजन सेटिंग में जाते हैं, टॉकबैक ऑन करके इस टाइप का खोलते हैं, लेकिन मैं आज बिल्कुल टॉकबैक ऑन करके खोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, नए पेच वाला भी नहीं खुलता, कुछ एल टाइप का ही बनाते हैं, तब टाइप के खोलते हैं, लेकिन मैं आज बिना टॉकबैक ऑन करके खोलने वाला हूँ। देखिए टॉकबैक बंद करके मैं बिना टॉकबैक ऑन करे खोलने वाला हूँ, वो भी दोस्तों एक क्लिक पे। यहाँ पर जो टूल से मैं खोलूँगा, उस टूल में जो आपको पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, इसलिए आप यह वीडियो स्किप ना करें, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखते रहें। पूरा वीडियो देखने से ही आपको पासवर्ड मिलेगा अंत में, शुरू में इसका पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, वीडियो के अंत में इसका पासवर्ड दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका हमको FRP लॉक खोलना है, फर्स्ट रिकवरी अकाउंट सेटिंग। तो दोस्तों इसका FRP लॉक खोलने के लिए कुछ लोग वेलकम से भी खोलते हैं, वेलकम का 7 बार क्लिक करके QR कोड से, तो मैं उस प्रोसेस से भी आज खोलने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी अनोखी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप चुटकी में FRP लॉक खोल सकते हैं, और वो भी दोस्तों किसी भी मोटो सेट, अगर कोई भी पेच हो, 7.0, 7.1 हो, 8.0 हो, कोई भी अपडेट वर्जन का दोस्तों FRP आप एक क्लिक में खोल सकते हैं हमारे इस प्रोसेस से। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको बहुत यूजफुल है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक तो लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही बेहतर बेहतर वीडियो बना सकूँ। तो और साथ में हमारे चैनल मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों हम आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस प्रोसेस का, इसका लॉक खोलने का प्रोसेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं और एक बार बता देना चाहता हूँ, मैं जो यहाँ पर फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसका पासवर्ड आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, आप इसलिए यह वीडियो अंत तक देखते रहिए, नहीं तो फिर बोलिएगा कि आप हमें बार बार कमेंट करते रहते हैं पासवर्ड बताओ भाई पासवर्ड बताओ, लेकिन कुछ लोगों के एक तरीका है वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और हमसे कमेंट करते हैं पासवर्ड बताओ। तो भाई इस वीडियो का पासवर्ड, इस एक्सट्रैक्ट फाइल का पासवर्ड आपको वीडियो के अंत में मिल ही जाएगा, उसकी गारंटी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले हम अपना मोबाइल का वॉल्यूम माइनस पावर और प्लस बटन में, तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल का पावर ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पावर ऑफ होने के बाद यहाँ पर आपको दबाना क्या है, बढ़िया सुन लीजिए, वॉल्यूम माइनस एंड पावर बटन, वॉल्यूम माइनस एंड पावर बटन, मैं वॉल्यूम माइनस एंड पावर मैं 3 बार बता चुका, तब मैंने सबसे पहले वॉल्यूम माइनस दबाया, फिर पावर, इससे क्या होता है हमारा मोबाइल चालू हो जाता है। अब यहाँ पर आपको जाना है एक तो सेटिंग में, जिसका देखिए रीस्टार्ट बूट लोडर रिकवरी मोड में ही आपको रहना है, दूसरे किसी मोड में खुलेगा नहीं खुलेगा उसका गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन रिकवरी मोड में मैं आपको 1000% गारंटी देता हूँ कि आपका FRP लॉक मोटो जी 5S प्लस का खुलेगा ही खुलेगा। तो दोस्तों यह वीडियो इतना अच्छा बना रहा हूँ, इससे आपका लाभ तो होगा ही, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारा यह वीडियो। तो मैं अभी डाटा केबल नहीं लगा रहा हूँ, मैं अभी अब सीधे अपने कंप्यूटर पर चलता हूँ। कंप्यूटर पर जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन बाय FRP फाइल रखे हैं मोटो का लिए, तो मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। न्यू फोल्डर बनाने के बाद मैं इस फाइल को उसमें डालने वाला हूँ। न्यू फोल्डर बनाने के बाद मैं ये फाइल इसमें डाल चुका, डालने के बाद दोस्तों मैं इसे ओपन करता हूँ। अब इसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर में जो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है उसका पासवर्ड वीडियो के अंत में मिलेगा, यहाँ पर आपका पासवर्ड कुछ नहीं दिखाई देगा, जो भी पासवर्ड है यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे चुका, पासवर्ड देने के बाद मैं ओके किया, ये पासवर्ड आपको वीडियो के अंत में दिखाई देगा। अब यहाँ पर करना क्या है, मोटो FRP टूल बाय मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन, इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ मोटोरोला FRP को
इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं इसे एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करता हूँ, इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ मोटोरोला FRP को आपको ओपन करना है, लेकिन ओपन करने से पहले यहाँ पर इसका भी एक पासवर्ड है, ये पासवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक पासवर्ड है, इससे पहले आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर कॉपी मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे बंद कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं मोटोरोला का FRP जो टूल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही जो 2.10 MB का छोटा सा टूल है उसे आपको लोड करना है। MediaTek का मैं लिंक दे दूंगा, आपको लोड करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी से आप लोड कर सकते हैं। मैं इसके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर यस या नो का हमसे दो ऑप्शन बोले जाता है, तो मैं इसे ओपन करने के लिए हम लोग को पता है कि यस करना पड़ता है, तो मैं इसे यस कर रहा हूँ। यस करने के बाद यहाँ प्रोटेक्ट फाइल इंटर पासवर्ड, यहाँ पर दोस्तों प्रोटेक्ट फाइल इंटर पासवर्ड में जो पासवर्ड मैंने वहाँ से कॉपी किया है अभी तुरंत, वही पासवर्ड हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो पेस्ट करना है, तो हमें यहाँ पेस्ट करने के बाद, देखिए पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद आपका माउस का यहाँ कोई बटन काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है, सिंपली इंटर बटन। मैं यहाँ पर इंटर बटन दबा देता हूँ। इंटर बटन दबाने से देखिए डिवाइस शुड बी आस्किंग टू वेरीफाई ईमेल अकाउंट। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं मोटोरोला का जो सेट है वो मैं कनेक्ट करता हूँ। मोटोरोला का सेट कनेक्ट करने के बाद वेटिंग फॉर डिवाइस यहाँ लिखा गया है। कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ M लिखा गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा हुआ हमको सिंपली सेट को मैं रख देता हूँ, क्योंकि सेट को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा गया, अब वो ऑटोमेटिक एक बार खाली आप वॉल्यूम माइनस दबा के दीजिए और पावर बटन, अब ये ऑटोमेटिक डिवाइस ठोको ले लेगा थोड़ी देर में। आपका अगर ड्राइवर रहेगा तो ही लेगा, क्योंकि फास्टबूट ड्राइवर ज़रूरी है। अब देखिए हमारा सेट स्टार्ट हो गया है, फिर रिटर्न बंद हो गया। देखिए सेंडिंग पेलोड एंड रिबूटिंग, देखिए वेटिंग फॉर डिवाइस, इस टाइप का 3 से 4 बार आपका कनेक्शन होगा, उसके बाद आपका सेट का दोस्तों FRP लॉक 1000% गारंटी है, इस प्रोसेस से खुल जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि पासवर्ड आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जो भी पासवर्ड है, इसीलिए यह वीडियो स्किप मत करिए, शुरू से शेष तक देखते रहिए, पासवर्ड ही मिल जाएगा। वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अब यहाँ पर एक फोटो आएगा, देखिएगा वेटिंग फॉर डिवाइस अलाउ USB डबिंग। अब ये जब लिखा है ना अलाउ USB डबिंग, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में लिखा है अलाउ USB डबिंग, अब आपका मोबाइल में भी एक फोटो आएगा। अभी रुकिए मैं वेट करता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि CM टूल से खुलेगा, UMD टूल से खुलेगा, लेकिन मैं आज आपको फोकट में बिल्कुल फ्री खोल कर दिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत बड़ी आसानी तरीके से। कोई फेक वीडियो मैं नहीं लोड कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने ही बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर USB डबिंग बोल के लिखा आएगा, यहाँ पर जब कंप्यूटर में आ गया ना अलाउ USB डबिंग, तो यहाँ पर भी एक USB डबिंग लिखा आएगा। USB डबिंग जैसे लिखा है आपको तुरंत ही उसे राइट पर क्लिक करना है, नहीं तो फिर आपका फुल प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। देखिए कंप्यूटर में वेटिंग फॉर डिवाइस एंड अलाउ USB डबिंग, वैसे यहाँ पर मोबाइल में भी लिखा आएगा। देखिए अलाउ ओके तुरंत करना है ना तो आपका कट जाएगा। देखिए बाईपास FRP रिबूट एंड फास्ट बूट बूट लोडर, कंप्यूटर में भी देखिए मोबाइल पे भी देखिए, इसीलिए मैं मोबाइल और कंप्यूटर में आपको साथ में रख के दिखा रहा हूँ। आप सोचेंगे कि कोई फेक वीडियो है, तो मैं फेक वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता। देखिए वो वाला जो सॉफ्टवेयर था ऑटोमेटिक कट गया, मैं कोई काटा नहीं। और यहाँ पर मोटो का M लिखा हुआ आ गया है। अब दोस्तों अब अपना सॉफ्टवेयर मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब इससे कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर का जो आपका पासवर्ड है वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अगर वीडियो के अंत में नहीं मिलता है या आप लोग को कोई दिक्कत होती है, तो आप हमारे चैनल में सर्च करके चैनल का लास्ट में अबाउट में आपको मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रत्येक वीडियो का पासवर्ड मैं वीडियो के अंत में ही देता हूँ। तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। देखिए अब इसका FRP लॉक आपका खुल गया है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए, सेटअप टू न्यू क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, आप सेट टॉक आप रिबूट कर दीजिए डायरेक्ट, डोंट यूज कंटिन्यू मोटो, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप स्किप एनी वे, सेटअप लेटर, आई एग्री, नेक्स्ट। यहाँ पर ईमेल देने का भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट करके
बाहर निकल जाइए। अब बाहर निकलने के बाद आपका देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये मोटरोला का FRP लॉक बिल्कुल तरीके से खुल गया, कोई लॉन्चर का नहीं जरूरत है, कोई किसी का नहीं जरूरत, मैं एक क्लिक में खोला हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखिए इसको अब लास्ट में पावर ऑफ करके एक बार रिस्टार्ट कर दीजिएगा। मैं पावर ऑफ करके रिस्टार्ट करके आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, आप लोग सोचेंगे कि दोबारा रिस्टार्ट करने से FRP लॉक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसीलिए दिखा दे रहा हूँ कि इसका 10 बार भी रिस्टार्ट करिएगा तो FRP लॉक नहीं होगा। जब तक आप लोग रिसेट नहीं मारिएगा तब तक, रिसेट मारने के बाद ही आपका FRP लॉक में रिटर्न आएगा। अब देखिए मैं सेट को चालू कर रहा हूँ, देखिए मेरा मोटरोला का सेट चालू हो गया। मैं फिर एक बार बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत में आपको पासवर्ड मिल जाएगा, पासवर्ड आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जो भी पासवर्ड है, क्योंकि मैं पासवर्ड पहले दे देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, इसीलिए आप लोग शुरू से शेष तक पहले पूरा वीडियो देखिए, समझिए, फिर हमें कमेंट करिए या हमें कॉल करिए। और इतने बड़े वीडियो देखने के बाद एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए खुल गया FRP लॉक। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने जितने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।